मैं पलक शर्मा हाजिर हूं दुनिया भर के सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे श्रीलंका की मौजूदा सूरत हाल और भारत के सरोकार की श्रीलंका इन दिनों इकोनॉमिक क्राइसिस के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है भारत के लिए श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस सीरियस कंसर्न की बात है इसलिए कि भारत और श्रीलंका के दोस्ताना रिश्ते सदियों पुराने हैं हमारी एथनिक लिंग्विस्टिक सोशल और कल्चरल विरासत साझी है भारत ने श्रीलंका को हाल ही में एक अरब डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका ने भारत से डेढ़ अरब डॉलर और मांगे हैं रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनवरी 2022 से अब तक भारत ने क्रेडिट लाइन के ज़रिए कई अरब डॉलर की मदद की है तो क्या है श्रीलंका के हालात और मौजूदा वर्ल्ड सिनेरियो में भारत से कितनी है दुनिया की उम्मीदें इसी को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को एम पी में रिसर्च फेलो डॉक्टर स्मृति एस पटनायक और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी को मैं आप दोनों का अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं स्मृति जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस वक्त आप ये जो पूरा मामला है जो श्रीलंका के हालात हैं उनको किस तरह से देखती हैं ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये एक्चुअली वाज़ इन मेकिंग पिछले साल से जैसे कि आप देखेंगे जो टैक्स कटौती जो हुई है आफ्टर प्रेसिडेंट टू के वैल्यू एडेड टैक्स का कट हुई है कॉरपोरेट टैक्स का भी कट हुई है जो. और बाकी जो जैसे बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनको एक्चुअली एक आ, आ, उनको सुविधा है कि वो कोई भी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके लिए उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है तो ये और बाकी जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि सरकार ने इंट्रोड्यूस किए किए थे अभी वो विड्रॉ हो चुकी है पिछले अक्टूबर में तो ये सारा जो है क्यूमलेटिवली एक इम्पैक्ट पड़ा है श्रीलंका के इकोनॉमी में इसको छोड़ के बाकी दो इश्यूज़ है जैसे पहले जो ईस्टर बॉम्बिंग था तब तो टूरिज़म सेक्टर जो जिसके ऊपर श्रीलंका डिपेंडेंट है अपना इकोनॉमी के लिए तो वो सेक्टर भी अफेक्टेड हुआ था उसके बाद जो कोविड हुआ वो भी टूरिज़म सेक्टर को अफेक्ट किया तो ये सारा अगर देखेंगे तो इसका एक्यूमलेटिव इम्पैक्ट जो श्रीलंका का इकोनॉमी के ऊपर पड़ा उसका अभी आप देख सकते हैं कि जो क्राइसिस चल रही है लेकिन जो सरकार कर सकती थी जैसे जो डिसीजन लिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उन्होंने इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके वजह से जो फसल है वो अफेक्टेड हुआ तो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अफेक्टेड हुआ लेकिन उतना भी पैसा नहीं है कि जो बाहर से वो इंपोर्ट कर सके, क्योंकि श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी दो महीना तक वो इम्पोर्ट कर सकते हैं तो ये सारा जो डिसीजन जो कि इकोनॉमिक डिसीजन है लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड इकोनॉमिक डिसीजन, जिसके वजह से आप श्रीलंका में अभी जो क्राइसिस अनफोल्ड कर रही है ये पिछले एक दो साल का जो डेवलपमेंट है उसको देख के एक्चुअली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मतलब ये नहीं है कि अभी अभी तुरंत हुआ Uh, किसी को पता नहीं था कि इस टाइप का क्राइसिस हुआ तो इट वॉज अ क्राइसिस इन मेकिंग एब्सिल्यूटी जी स्मृति जी आ, बहुत अच्छे से आपने समझाया पर धनंजय जी आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास भी आ, इन सभी देशों से यही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूँगी स्मृति जी बोल रही हैं क्यूमुलेटिव असर है कई सारी चीज़ों का और ओवरनाइट नहीं हुआ है काफ़ी वक्त से यह आता दिख रहा था आपकी क्या राय है जी स्मृति जी जैसे कि बता रही थी उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया कि क्या क्या दिक्कतें थीं वहाँ पर जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के तमाम सवाल उठे अभी क्राइसिस फरवरी में बहुत डिपेंड हो गई थी श्रीलंका के अंदर और उस समय वहाँ पर जो सबसे इस तरह की क्राइसिस ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में आई है और भी देशों पर आई है आईएमएफ को अप्रोच करने की बात कही जा रही थी लेकिन श्रीलंकन जो गवर्नमेंट थी वो हेजिटेंट थी आईएमएफ जाने को लेकर के वो तमाम और देशों की तरफ देख रही थी दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं और डालना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक एक एक्टिविटीज़ एक नहीं हुई अगर आप देखें तो चाइना का एक मेजर इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर है हालांकि डेप्ट और ट्रैप जैसी थ्योरी जो आती है उसको आप नहीं कह सकते कि उसके कारण ये हुआ है लेकिन एक ये भी प्रश्न उठता है कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट जो चाइना के हैं उन्होंने इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना किया है हालांकि जो श्रीलंका की आज की स्थिति है उसमें कोविड ईस्टर बॉम्बिंग प्लस जो इन इकोनॉमिक डिसीजन उसके कारण है लेकिन इतने सारे इन्वेस्टमेंट होने के बाद हमबन टोटा कोलम्बो पोर्ट सिटी आपका एक एयरपोर्ट इतने सारे इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर रिवाइव नहीं हुई है तो ये भी एक मेजर बात है फरवरी में जब क्राइसिस वार्निंग बेल जब रिंग हो गई थी वहाँ पर तो भी वहां की सरकार ने आईएमएफ आईएमएफ को को सही समय पर अप्रोच अप्रोच नहीं किया। आज वो को अप्रोच कर रहे हैं, आज वो अपने आप को लेते तो शायद वहां की जनता जिस हालत में है उस हालत में ना जाती बिल्कुल धनंजय जी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है स्मृति जी धनंजय जी की बात से उठाते हुए मैं से पूछना चाहती हूँ इंडिया एक लीडिंग इकोनॉमिक पावर है कई पिछले कई महीनों में हमने देखा किस तरह से बहुत सारे स्टेट हेड्स जो हैं उन्होंने इंडिया को विजिट किया है सारी दुनिया की जो नज़र है वो भारत के ऊपर है किस तरह से भारत श्रीलंका की मदद करेगी हम दोस्त रहे हैं श्रीलंका के क्या पूरा नजरिया है आपका इस मामले में भारत किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है इस वक्त भारत सब समय अपने को प्रोजेक्ट करता है कि फर्स्ट रेस्पोंडर इन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो आप अगर वो वाला पॉल, वो पॉलिसी देखेंगे तो इंडिया रिस्पॉन्ड की है क्रेडिट लाइन दी है फ्यूल के लिए जैसे एविएशन फ्यूल और बाकी सारा जो श्रीलंका को चाहिए था वो सारा मदद की है फूड आइटम भी बहुत सारा जो है वो भारत ने आ, भेजा है अभी पिछले एक महीने के अंदर तो ये जो है भारत का जो अभी तक स्टेप रही है वो इमीडिएट क्राइसिस जो अनफोल्ड कर रही है श्रीलंका में वो इमीडिएट क्राइसिस को अरेस्ट uh, करने के लिए मतलब उसको देखते हुए ये सारी मदद गई है लेकिन लॉन्ग टर्म ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए तो उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे आईएमएफ में श्रीलंका फाइनेंस मिनिस्टर अभी गए हैं फोर बिलियन डॉलर का नेगोशिएशन चल रही है और आज सुबह भी ए, 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 इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर भी आ, आ, श्रीमती निर्मला सीतारामन भी बोले हैं वो आईएमएफ में वो भी बताए हैं कि श्रीलंका का जो क्राइसिस है आ, उनके लिए जो भी हो सकता है द आई एम टेक इमीडिएट स्टेप्स तो आ, ये तो शॉर्ट टर्म हो गई लेकिन लॉन्ग टर्म में टैक्स uh, रिफॉर्म जैसे सब्सिडी वो एक मेजर इशू है आप स्टेट चलाने के लिए आपको रेवेन्यू चाहिए अगर आ, सरकार के पास रेवेन्यू है और बाकी जो बजट है इन्फ्लेशन तो 17.5 है फूड इन्फ्लेशन और उसके ऊपर जो बजट है डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो बजट है उसका भी एक इम्पैक्ट है तो इंडिया तो इमीडिएट क्राइसिस के लिए फ्यूल जो मेडिसिन बाकी जो है जैसे फूड आइटम्स भेज सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में आ, इंडिया कितना मदद कर सकती है वो एक्चुअली मतलब उसके लिए सोचना चाहिए क्योंकि क्रेडिट लाइन होने से वो तो शॉर्ट टर्म में आ, सरकार को हेल्प कर सकता है जो कि जब तक आईएमएफ फंडिंग आता है तब तक इट्स ए काइंड ऑफ ब्रिज फाइनेंसिंग जो सरकार बोल रही है कि ये ब्रिज फाइनेंसिंग है जब तक आईएमएफ का हेल्प आएगी तब तक इंडिया विल सपोर्ट श्रीलंका बिल्कुल धनंजय जी आ, इंडिया का रोल आ,

परिदृश्य देखें पूरे विश्व इंटरनेशनल रिलेशन को देखें तो यूक्रेन रशिया वॉर ने पूरे इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है जो ऑयल प्राइसेस है वो लगातार आ, आप बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं इसका भी एक इम्पैक्ट श्रीलंकन इकॉनमी पे हुआ है क्योंकि उनके पास फॉरेन रिजर्व कम थे और उस पर अगर आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और ये तमाम देश अगर आप पिछले एक महीने का अगर न्यू डेली के अंदर फॉरन विजिट देखें तो चाइना के विदेश मंत्री यूएस के यूएस के फॉरेन ऑफिशियल्स यूके के के विदेश मंत्री जापान से लोग यहाँ पर तमाम सारे लोग जो आ रहे हैं तमाम सारे देशों के नेता आ रहे हैं उनको लग रहा है कि इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा ये सिर्फ जो हम कह रहे हैं कि ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस ये सिर्फ हम एक क्राइसिस के रूप में नहीं देख सकते ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक तरह से चेंज करने वाला है और सबको पता है कि उसके अंदर बिकॉज हम एक बड़ी इकॉनमी है हम एक बड़ी स्ट्रेटजिक पावर है सब कई निगाह लगी हुई है कि इंडिया क्या इनिशिएटिव लेता है क्या स्टेप लेता है तो एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में है अगर आप पिछले एक महीने का साउथ एशिया के अंदर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट देखें तो वो सिर्फ मात्र श्रीलंका नहीं मॉलदीव्स में हमारे विदेश मंत्री थे वहाँ पर भी हम तमाम सारे प्रो, प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान uh, के अंदर आपका तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है लेकिन वहाँ पर हम ह्यूमिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ पर डेवलप हो रही है उसमें हम वीट भेज रहे हैं उसमें हम लाइफ सेविंग ड्रग्स भेज रहे हैं तो इंडिया अभी नेबरहुड पॉलिसी जो क्रिटिक्स कहते थे कि थियोरटिकली दिख रहा है उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते साउथ एशिया में देख रहे हैं तो उसके ज़रिए मुझे लगता है कि काफ़ी सारा स्कोप इंडिया के लिए है एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो श्रीलंका को ज़रूरत पड़ेगी एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए जिसमें इंडियन एक्सपर्टीज़ की उनको सहायता पड़ेगी इंडिया से अगर वहाँ पे लोग जाएंगे तो वो भी उनको इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा रिवाइवल होने में दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इंडिया का जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो तमाम सारे एक्सपेरिमेंट है सक्सेस है क्या हम वो शेयर करके सर्विस सेक्टर को वहाँ पे इम्प्रूव करके जो उनकी इकोनॉमी है जो लॉन्ग टर्म में जिसको वो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है मेरे ख्याल से वहाँ पर इंडिया का एक मेजर रोल हो सकता है और उस दिशा में भारत को सोचना चाहिए बिल्कुल स्मृति जी स्ट्रटिजिक रिलेशंस की अगर बात करें तो ये तो बात आ, सब जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रटिजिक रिलेशंस जो हैं श्रीलंका से इंडिया के बहुत खास रहे हैं हमेशा लेकिन सिक्योरिटी के सिनेरियो पर अगर हम गौर करें तो सिक्योरिटी के लिहाज से इस वक्त इंडिया जिस तरह से श्रीलंका की मदद करने जा रही है आगे कितना इंपॉर्टेंट रहेगा दुनिया की भी नज़र है ऑफ़ कोर्स भारत के लोगों की तो नज़र है ही देखिए सिक्योरिटी अगर आप बात करेंगे सिक्योरिटी दो तरह का होता है एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जहाँ पे आप मिलिट्री का बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग का बात करते हैं जैसे बहुत सारे इन्वालमेंट श्रीलंका का है इंडिया का है जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जी। आ, इंडिया में श्रीलंका आम फोर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए वो सारा चीज़ तो है लेकिन अगर आप सिक्योरिटी देखेंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से वहाँ पे मैं ये बोलूँगी सबसे दो चैलेंज है श्रीलंका के सामने एक तो अभी जो इकोनॉमिक चैलेंज है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं सेकंड चैलेंज है उसका जो एथनिक ग्रीवेंसेस जो है जो अभी तक एड्रेस नहीं हुई है क्योंकि श्रीलंका स्पेशली uh, राजपक्ष का जो सरकार है वो उनका सब समय आर्गूमेंट ये रही है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ये जो एथनिक इश्यूज़ है जो पॉलिटिकल ग्रीवांसेस है वो अपने आप अप चले जाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो सब कोई प्रॉस्पेरिटी में रहेंगे सबके पास पैसा होगा तो ये सारा नहीं होगा लेकिन हम अभी देख रहे हैं जैसे जिस टाइप का भी डेवलपमेंट हो रहा है स्पेशली ईस्टर बॉम्बिंग जो था या उससे पहले जो इतनी कन्फ्लिक्ट था ये है मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवंसेस तो मैं ये बोलूँगी कि इंडिया का सब समय एक पॉलिसी रही है श्रीलंका को बोलने के लिए कि आप अभी तो जो वार का वार चल रहा था वो तो 2009 से ख़त्म हो गई है अभी आप अपना पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका कुछ निकालिए तो ये इतनी ग्रीवंस जब तक रहेगा तब तक वह, वहाँ पे जैसे अभी हम देखे पिछले कई साल में चाइना को चाइना का जो इंगेजमेंट हुआ श्रीलंका के साथ जी। और वहाँ पे जैसे ब, बताया गया कि थर्टीन अमेंडमेंट वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस uh, किया गया तो हम उसको नहीं मानेंगे हम अपना सोल्यूसन लाएंगे होम ग्रोन सोल्यूसन ये सारा सुना गया तो श्रीलंका का जो क्राइसिस है सिक्योरिटी क्राइसिस मैं उसको बोलूँगी कि ऑफ़कोर्स इंडियन ओसन में श्रीलंका इज uh, पार्ट और इंडियन ओसन में अभी आप देखेंगे तो चाइना का ब्लू वाटर नेवी का जो uh, रीच बढ़ गई है क्योंकि पोर्ट डेवलप कर रहे हैं तो इंडिया के uh, उसका सिक्योरिटी इम्प्लिकेशन है लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अंदरूनी जो सिक्योरिटी है श्रीलंका का जो एक्चुअली स्पेस देगा बाहर का जो शक्ति है वो वहाँ पे आएंगे इंटरफियर करेंगे जिसका रिपोर्कसन इंडिया के ऊपर होगा क्योंकि टैमिल कम्युनिटी जो है श्रीलंका में उनका एथनिक जैसा आप शुरू किए ना एथनिक लिंकेजेस है हमारा तो वो उसका जो रेफ्यूजी क्राइसिस होगा चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस में भी रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है पॉलिटिकल क्राइसिस होने से भी रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप इमीडिएट थ्रेट देखेंगे तो इमीडिएट थ्रेट में श्रीलंका का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका रिपोर्टन इंडिया के ऊपर होगा इन टर्म्स ऑफ़ ऑफ़ द द फ्लो टू इंडिया बिल्कुल तो सिक्योरिटी क्राइसिस स्मृति जी आप कह रही हैं कि होगा धनंजय जी सिक्योरिटी uh, uh, की तो यहाँ uh, बात हुई ऑफ़ ऑफकोर्स दोनों कंट्रीज के बीच लेकिन नेबरहुड पॉलिसी uh, की आप जो बात कर रहे थे नेबरहुड फर्स्ट और जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है इंडिया की उस में इस वक्त जो इंडिया का रोल रहेगा उसके मद्देनज़र साउथ एशिया को ध्यान में रखते हुए और ख़ासकर इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन हैं उनको ध्यान में रखते हुए कितना इम्पोर्टेंट होगा देखिए अब जो साउथ एशिया में पॉलिसी है हमारी इंडिया एक साउथ एशियन पावर है और जब मैं साउथ एशियन पावर कह रहा हूँ तो वो एक जोग्राफिकल पावर है डेमोग्राफिकली हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग कंट्री है अगर आप स्ट्रेटजिक टर्म्स में भी देखें तो हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है डेफिनेटली तो जो इंडिया के ग्लोबल एस्पिरेशन हैं और हम ग्लोबल एस्पिरेशन जब हम कहते हैं तो हम वर्ल्ड के अंदर एक मेजर रोल प्ले करना चाहते हैं और इंडिया का अपना के लगातार इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बढ़ता गया हुआ है तो उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे अगर आप बॉर्डर्स देखें तो तमाम सारे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हमारे बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं अब अगर इन देशों में किसी भी प्रकार का अंदरूनी ट्रबल होता है तो उसका सीधा सीधा असर हिंदुस्तान के ऊपर पड़ना लाजमी है क्योंकि अगर जैसे स्मृति जी अभी बोल रही थी कि वहाँ पर चाहे वो एथनिक क्राइसिस हो चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो जो रेफ्यूजी आएंगे वो इंडिया की तरफ आएंगे और क्योंकि हमारे एथनिक लिंकेजेस है वो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उसका एक असर होगा तो हिंदुस्तान के लिए सबसे अहम बात ये है कि पूरा साउथ एशिया स्टेबल रहे और इसीलिए हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं हमारा जो ग्लोबल एस्पिरेशन है वो भी साउथ एशिया से जुड़ा हुआ है और साउथ एशिया स्टेबल पीसफुल प्रॉस्पेरस रहे वो भी इंडिया के लिए एक स्ट्रेटजिक टर्म्स में सिक्योरिटी के टर्म्स में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है तो जो श्रीलंका का सवाल है अगर श्रीलंका के अंदर ये क्राइसिस डीपन होता रहेगा तो इसके बहुत सारे रिप्रकॉशंस हैं जो रेफ्यूजी ही नहीं वहाँ पर अगर एथनिक कुछ तरीके के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं तो उसका भी एक मेजर रिप्रकशन इंडिया के ऊपर पड़ सकता है तो इंडिया को बहुत वॉचफुल रह करके तमाम सारे अपने पड़ोसियों के साथ इंगेज करने की ज़रूरत है और जो इंडिया लगातार अगर आप जैसे मैंने कहा कि पिछले अगर एक दो महीने का भी हम हिसाब किताब अगर देख लें इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट है साउथ एशिया के अंदर तो काफ़ी डिपेंड हुआ है काफ़ी स्ट्रांगली इंडिया उसको कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया से काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन अभी हमको देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल पूरी दुनिया की नज़र टिकी है और जैसे धनंजय जी ने बताया ऑफ कोर्स एक ग्रोइंग पावर है इंडिया स्मृति जी इस वक्त जो इंडिया की पॉलिसी है साउथ एशिया को लेके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जिस तरह से पॉलिसीज uh, चलती आ रही हैं पिछले कुछ uh, वक्त से आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त ख़ासतौर पर साउथ एशिया के लिए और श्रीलंका के लिए देखिए नेबरहुड फास्ट जब 2014 में शुरू हुआ जहाँ पे सरकार इसीलिए नेबरहुड फर्स्ट एम्फोसिस की जी, आ, क्योंकि वो उसका जैसे धनंजय जी ने बताया कि इस सरकार आने के बाद नेबरहुड फर्स्ट का पॉलिसी जब अनुंसेशन होने के बाद पहला ट्रिप अगर आप प्राइम मिनिस्टर को देखे देखेंगे फॉरेन ट्रिप वो सब समय इंडिया का नेबरहुड ही रहा है uh, जैसे भूटान का ट्रिप था मॉलिव श्रीलंका का ट्रिप था इस बार तो उसमें से एक चीज़ जो uh, उभर के आती है कि इंडिया नेबरहुड को सिर्फ uh, मतलब बातों में नहीं बोल रहा है नेबरहुड फर्स्ट इंडिया जैसे uh, सबसे बड़ा देश है रीजनल पावर है तो वो अपना नेबर को भी uh, इत, उतना इम्पोर्टेंस uh, देता है इस विजिट से पता चलता है सेकेंड चीज़।, चीज़ है आप अगर देखेंगे पिछले कई साल से हम लोग का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है ये जो कनेक्टिविटी uh, प्रोजेक्ट्स है स्पेशली और ग्रिड कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप uh, बेच सकते हो इंपोर्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी ये सारा एक्चुअली एक्टिविटीज जो है जो इकोनॉमिक रीजनरेशन uh, uh, करेगा मार्केट को स्ट्रेंथन करेगा और जैसे मार्केट स्ट्रेंथन होगा तो आपका जो ट्रेड है इधर से उधर आपका जा सकता है तो तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि इकोनॉमिक के ऊपर जो पेरीफेरी के बात किए धनंजय जी ने उसको अगर जब तक पेरीफेरी आपका पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तब तक इंडिया में अगर आप सिक्योरिटी का बात करेंगे स्टेबिलिटी का बात करें सिक्योरिटी तो स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है तो आप स्टेबिलिटी को छोड़ के सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते धनंजय जी यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी इस वक्त आप इंटरनेशनल रिलेशन के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से आ, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं आ, इंडिया का जो साउथ एशिया के सिनेरियो में इस वक्त रोल है कितना मेजर है इंपॉर्टेंट तो बहुत है ही उस पर भी रोशनी डालिए लेकिन कितना मेजर है ये आपसे जानना चाहेंगे देखिए मेजर रोल है क्योंकि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है साउथ एशिया के अंदर। अगर आप पिछले कुछ समय में तो चाइना भी के अंदर, अंदर, अंदर बांग्लादेश लेकिन आ, जो उनके जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स है जैसे कि मैंने कहा कि श्रीलंका में कोई डेप्ट क्राइसिस इशू नहीं है चाइनीज डेप्ट uh, लेकिन एक, एक है कि जो ये वो कर रहे हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी यूटिलिटी एक स्मॉल इकानमी के लिए कितनी होती है क्या कैपेसिटी डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रिवाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेगा प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ परस्पेक्टिव से डेवलपमेंट हो रहा है साउथ एशियन परस्पेक्टिव से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इन डेवलपमेंट के पीछे बहुत सारे और इशूज़ हैं और अगर आप इंडियन रोल में देखें तो वो ह्यूमिनिटेरियन क्राइसिस जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर डेवलप हुआ हमारे डिप्लोमेटिक नहीं है तालिबान के साथ लेकिन फिर भी हम वहाँ पर रीच आउट कर रहे हैं लोगों को हमने अफगानिस्तान में इस पूरे चेंज के पहले भी हम एक मेजर डेवलपमेंट पार्टनर थे और इंडियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे कैपेसिटी डेवलपमेंट में ज़्यादा जोर दिया वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा जोर दिया वहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पे वीजा दिया वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ पर चलाए साथ ही साथ हॉस्पिटल्स को वहाँ पर खोला डैम्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ ध्यान दिया तो मेरे ख्याल से इन तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं और कनेक्टिविटी जो बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है जब हम साउथ एशिया रीजनलिज्म की बात करते हैं इकोनॉमिक की बात करते हैं तो एक मेजर जो प्रॉब्लम आता है वो कनेक्टिविटी लेकर के है तो वो बी बी आई एन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हो या बांग्लादेश जो हम पूरे एक्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये सारे जो प्रोजेक्ट्स इंडिया कर रहा है उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट चाहे वो इतना ना दिख रहा हो लेकिन एक मेजर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है वो पूरे साउथ एशिया को कनेक्ट करने वाला है और इससे साउथ एशियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और दूसरा मेरे ख्याल से जो एक मेजर पॉइंट जो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं वो इंडिया का जो ह्यूमिनिटेरियन अप्रोच है आई थिंक वो एक एग्जाम्पलरी अप्रोच है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए बिल्कुल स्मृति जी एग्जैम्पलरी अप्रोच है इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन जिस तरह का अप्रोच और पॉलिसी रही है इंडिया की वो पूरी दुनिया ने देखा है और इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से आप इस पूरे आ, मामले को कंक्लूड करेंगे इंडिया और श्रीलंका के इस वक्त जो रिलेशन हैं आगे व वा, आने वाले वक्त में जो रिलेशन रहेंगे और इंडिया जिस तरह से मदद करेगा श्रीलंका की उस पर आप क्या कहेंगी uh, uh... एक्चुअली इंडिया श्रीलंका रिलेशंस जो है वो हिस्टोरिकल है और कल्चरल भी है उसमें अपना आपका लिंग्विस्टिक और एथनिक लिंकेजेस है वो एक्चुअली बेसिस बनता है कोई बायोलेट्रल रिलेशंस के लिए क्योंकि यही सारे जो बेसिस है अगर आपका पीपल सेंट्रिक रिलेशनशिप नहीं है तो उसको मतलब आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है और सेकेंड चीज़ यहाँ वहाँ पर है कि जैसे इंडिया सुनामी uh, के टाइम में पहले पहुंचा था ह्यूमेटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ के तहत आपका जो 2007 थाउजेंड सेवन टू नाइन जो एल टी टी का वार चला था तभी नॉन लीगल सपोर्ट जो कि इंटेलिजेंस सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था वार के टाइम में तब दिए थे आप मिलिट्री सपोर्ट का बात करेंगे आई जो था वो श्रीलंका गवर्नमेंट के इनविटेशन से गया था और तभी ऐसा भी हुआ था जो हेलीकॉप्टर में श्रीलंका में वो लोग ड्रॉप किए आई को नॉर्दर्न श्रीलंका में वही सेम हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया श्रीलंका फोर्सेस को वहाँ से नॉर्थ से एयरलिफ्ट करके साउथ में जहाँ पे जेबीपी बी पी इंसेंसी तब चल रहा था उसमें Uh, मतलब उनको वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए तो इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल रही है uh, वो सिक्योरिटी का बात करें इकोनॉमिक uh, का बात करें आप अगर पॉलिटिकल uh, जो रेजोल्यूशन ऑफ एथनिक कंफ्लिक्ट उसका बात करें हिस्ट्री कल्चर का तो बात ही नहीं uh, कर रही हूँ तो ये मैं बोलूँगी कि क्राइसिस uh, के टाइम में आप अगर एक देश के साथ खड़े रहते हैं वो लोग याद रखते हैं क्योंकि अच्छे के टाइम में तो चलिए इन्वेस्टमेंट ट्रेड वो तो मतलब चलता रहता है देशों के बीच में लेकिन अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और इंडिया जैसे एक जब फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका में थे तब तो एक न्यूज़पेपर में पढ़े कि सर्जरी के लिए इक्विपमेंट नहीं है मेडिसिन नहीं है वो तुरंत हाई कमीशन को इंडियन हाई कमीशन बुला के बोले कि आप उसका अरेंजमेंट करिए तो यही है जो ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस और मतलब जो कि और बहुत सारा ग्रैंड प्रोजेक्ट तो ये जो है वो इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है आ, वो मैं बोलूँगी कि गिव्स इंडिया ए वेरी गुड लीड इन द धनंजय uh, जी, दन, जी बहुत ही खूबसूरत बात की स्मृति जी ने कि क्राइसिस के वक्त अगर आप किसी के साथ खड़े रहते हैं तो वो जरूर याद रहता है हमने हेल्थ के मीडियम में पॉलिटिकली हर तरह से हम आगे खड़े रहे हैं आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या हैं इस पूरे मामले पर अब आगे आने वाले समय के लिए देखिए अब स्मृति जी ने जो कहा मैं उसको अगर अंग्रेजी में कहूँ तो फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड तो इंडिया आ, अगर आप देखें तो चाइना पिछले समय में श्रीलंका के काफ़ी क्लोज रहा है चाइना से अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है मुझे नहीं पता क्या टर्म्स एंड कंडीशन है क्या हो रही है लेकिन इंडिया ने ऑयल इमीडिएटली वहाँ पे देना शुरू किया क्रेडिट लाइन एक बिलियन डॉलर का शुरू किया और तमाम सारे और चीज़ों पे इंडिया ने जैसे कि स्मृति जी ने कहा कि फॉरेन मेडिकल सप्लाईज की बात की गई इंडिया से तो इन तरह की चीज़ें जो इंडिया कर रही है उसका एक अपना महत्व है क्योंकि हम वहाँ पे पीपल को रीच कर रहे हैं जो उनको अभी इमीडिएट और श्रीलंका की क्राइसिस एक मेजर क्राइसिस है वो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं फॉरेन लोन के ऊपर उनके पास फॉरेक्स रिज़र्व ज़्यादा है नहीं उनके पास इम्पोर्ट करने की कैपेसिटी अभी ज़्यादा है नहीं तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो इंडिया का रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट रोल बना रहेगा क्योंकि इंडिया जैसे मैंने कहा कि इंडिया के अपने भी इंटरेस्ट है हम ये स्टेबल कंट्रीज रहे इसमें इंडिया के अपने इंटरेस्ट है साथ ही साथ ये कंट्री प्रॉस्परस हो इकोनॉमीज बने वो भी एक इंडिया के इंटरेस्ट में है तो मेरे ख्याल से इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशन स्टेट टू स्टेट ऑल्सो पीपल टू पीपल रिलेशन बिल्कुल आ, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी और स्मृति जी आपने इतना एनलाइटन किया इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई और हमारे इस बहुत ही खास डिस्कशन में आ, आप हिस्सा बने हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है डी डी उर्दू स्पेशल्स एट जी अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त आदाब